क्रिकेट रहा और मैन ऑफ द मैच रहे हैं। चलते हैं लाइव एक्शन के साथ कमेंट्री बॉक्स में। मैं कमेंटेटर हूं चुम्मा, धन्यवाद। ये पहली गेंद थी भीम की मोनू वाल्मीकि के लिए, हल्के हाथों से शॉर्ट स्क्वायर लेग क्षेत्र में खेला, खाता खुला। शुक्रवार 11 सागर का टॉस जीतकर जो पहले बैटिंग कर रही है आज के दिन के दूसरे मुकाबले में ग्वालियर एकादश के खिलाफ। आठ आठ ओवरों का यह मुकाबला, जबकि आज के दिन की शुरुआत रोमांचक अंदाज में हुई। इस बार बहुत अच्छा पॉइंट के ऊपर से खेला है संदीप यादव ने और जानू खान सिंह करते हुए अपने निर्णय को प्रदान करती है। ये स्ट्रोक तो बहुत अच्छा था लेकिन पॉइंट और कवर के बीच में खड़े हुए फील्डर के हाथों में पहुंचा। 5 टीम का स्कोर। मुझे चौका लगाया बाएं हाथ के बल्लेबाज संदीप यादव के बल्ले से निकला भीम। लेफ्ट हम ओवर द विकेट ये गेंद की थी ऑफ स्टंप पर, तेजी से बैट जरूर घुमाया था संदीप यादव ने। एक बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी पावर प्ले के दौरान, लेकिन बीट कराने में पूरी तरह कामयाब होते हुए गेंदबाज भीम जो पहला ओवर लेकर आए हैं ग्वालियर एकादश की तरफ से। इस बार कनेक्शन बहुत अच्छा और गेंद सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 6 गए। इस बार गेंद अच्छी थी, स्ट्रोक भी बढ़िया, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला है संदीप यादव ने। 1 यहां पर मिलेगा और इसी 1 के साथ पहले ओवर की समाप्ति हुई है। 1 में शुक्रवार 11 सागर का स्कोर पहुंचा है 12। मोनू वाल्मीकि और संदीप यादव दोनों सलामी बल्लेबाज शुक्रवार 11 सागर की तरफ से। पहले ओवर में 12 बटोरे, जहां संदीप यादव ने इस पहले ओवर में पहले एक चौका जड़ा था पॉइंट के ऊपर से और उसके बाद डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा। 1 ओवर 12 शुक्रवार 11 सागर का स्कोर है। आप देख रहे हैं फिरोजिया ट्रॉफी 2023 को बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के क्षीर सागर मैदान से, जिस प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार 4 लाख है, द्वितीय पुरस्कार 2 लाख मैन ऑफ द सीरीज हीरो बाइक। अब दूसरा ओवर लेकर आए बबलू। इस मैच के एम्पायर जानू खान फिलहाल लेग एम्पायर की पोजीशन पर, मुख्य एम्पायर की पोजीशन पर अभी नजर आए जय पवार जी। स्कोर शीट पर मनीष अग्रवाल, कमेंट्री बॉक्स में भोपाल के होलचुम्मा, मैं सागर मुल्ताई। क्या बेहतरीन गेंद बबलू की, तेज गति से इस बार गेंद को रखा था और अपने मंसूबे में कामयाब भी हुई, बीट कराया बल्लेबाज को। पंचम गणेश क्रिकेट क्लब उज्जैन इस टूर्नामेंट की सहयोगी नितेश बाथम जी, असलम शेख जी, अमजद लाला जी एवं मोहन बाथम जी।
शहनवाज अंसारी, सुमेर पठान, प्रिंस चौहान आदि सभी उपस्थित मैदान पर, और इस टूर्नामेंट के चेयरमैन उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद महोदय अनिल जी फिरोजिया, जबकि डीजे को ऑपरेट करते हुए भाई सानू डीजे, और आप देख रहे हैं बहुत ही प्रसिद्ध क्रिकेट टूर्नामेंट को, फिरोजिया ट्रॉफी 2023। आज के दिन का जो पहला मुकाबला है वो रोमांचक लम्हों में गुजरात की खुशबू यहां पर महकी, उन्होंने जीत दर्ज की एन मौके पर। इस बार हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे और आसानी से पहला झटका लगेगा। शुक्रवारी सागर को उठाकर मारना चाहते थे, कोई गलती नहीं करी ग्वालियर के फील्डर ने, पहला विकेट गिरा। रनों पर पहला विकेट गिरा। दूसरे ओवर में बबलू ने वो सफलता अर्जित की, पवेलियन भेजा संदीप यादव को, जो खतरनाक साबित हो रहे थे पहले ओवर में, जिन्होंने आक्रामकता दिखाई थी, उस बल्लेबाज को बबलू ने चलता किया। ऑन साइड पर एक आसान सा कैच, अब आए बल्लेबाजी करने के लिए राजा। लेग स्टंप पर यह गेंद थी, स्क्वायर लेग से फील्डर दौड़कर आए, पैरों पर गेंद लगी थी, एक रन के साथ छोर बदला राजा ने और स्ट्राइक पर ले गए मुनु वाल्मीकि को, 13 रन टीम का स्कोर। एक बड़ी सी स्क्रीन भी आपको नजर आ रही है। आप सभी बहुत अच्छे दर्शकों का पुनः स्वागत करते हैं हम आयोजन समिति की तरफ से, जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस टूर्नामेंट को लाइव देख रहे हैं उनका भी स्वागत है, और इस गेंद का भी स्वागत है। ग्वालियर एकादश के लिए जो बबुल के द्वारा फेंकी गई थी दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप पर टप्पा खाई, बाउंस मिला, उछाल मिला और बल्लेबाज के कंधे के बगल से निकलकर विकेट कीपर के पास गई बीट कराते भी है। और इस गेंद का भी स्वागत है जो ग्वालियर के फील्डर के हाथों में गई है। दूसरा झटका, दूसरी सफलता बबलू को मिली, 13-2 शुक्रवार 11 सागर। चुके हैं शुक्रवार 11 सागर के दो ओवर की समाप्ति के पश्चात, पहले ओवर में 12 रन बने थे, दूसरा ओवर जब बबलू लेकर आए तो वो ग्वालियर के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए, केवल एक रन खर्च किया और दो विकेट भी उन्होंने हासिल किए। पावर प्ले अब यहां से समाप्त होते, वह 30 यार्ड सर्कल के बाहर अब ज्यादा खिलाड़ी आपको नजर आएंगे, जबकि दो ओवर तक आपको केवल दो खिलाड़ी नजर आ रहे थे, और गेंदबाजी करने के लिए अब आपको नजर आ रहे हैं तीसरा ओवर लेकर आए हैं भीम, जिन्होंने पहला ओवर भी किया था, वो तीसरा ओवर लेकर राजा के लिए।
ऑफ स्टंप पर गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, उसे बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में गई। एक ही रन यहां पर मिलेगा, सिंगल के जरिए 14 पर पहुंचा स्कोर। लेकिन पिछले ओवर की बात करें तो ग्वालियर के उस गेंदबाज बबलू ने दो सफलता अर्जित कराई। सबसे पहले उन्होंने संदीप यादव को आउट किया था, उसके बाद मोनू वाल्मीकि को। इस बार गेंद अच्छी थी, अभी सागर थे बल्लेबाज, ऑन साइड पर खेला है। एक ही रन यहां पर मिलेगा। पारी का तीसरा ओवर फेंका जा रहा है, 8-8 ओवरों का यह मुकाबला। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के क्षीर सागर मैदान से आप फिरोजिया ट्रॉफी 2023 को लाइव देख रहे हैं। इनसाइड एज लगा था, किस्मत के धनी रहे, जीवन दान मिला यहां पर राजा को। हालांकि लो केस था, काफी मुश्किल था, हाफ चांस इसे कहा जाएगा। ये देखिए आप रिप्ले में देख सकते हैं, इनसाइड एज लगा, बहुत ही कम चांस था विकेट कीपर के पास, उतने जल्दी उसको कैरी कर पाना बहुत मुश्किल होता है। थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली करते हुए भीम, उन्हें विकेट नहीं मिला लेकिन दबाव जरूर बनाया है इस ओवर में। इस पर ऑफ स्टंप की गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है उसे, एक्स्ट्रा कवर पर लॉन्ग ऑफ से फील्डर दौड़ कर आए, गेंद को फील्ड की। जब तक वो बॉलर के पास आसानी से थ्रो करेंगे, एक रन लेने का भरपूर मौका। पारी का तीसरा ओवर फेंका जा रहा है, दो विकेट खोई है शुक्रवार 11 सागर ने। बल्ले का बाहरी किनारा और तीसरा विकेट गिरता हुआ सागर का, अभी सागर के रूप में, और भीम को भी मिली। केस दिया विकेट कीपर को, भीम की बहुत अच्छी गेंदबाजी। पहले ओवर में तो सफलता नहीं मिली थी, दूसरे ओवर में जो बबलू ने दो विकेट दिलाए उसका जो प्रेशर था, उसका जो दबाव था, वो भीम को यहां पर फायदे विकेट के रूप में फायदा मिला। और तीसरा झटका लगा शुक्रवार 11 सागर को, केवल 16 रनों के योग पर, जो टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है आज के दिन के दूसरे मुकाबले में ग्वालियर एकादश के खिलाफ। फिरोजिया ट्रॉफी 2023 जिसका प्रथम पुरस्कार 4 लाख रुपए चमचमाती ट्रॉफी के साथ, द्वितीय पुरस्कार 2 लाख रुपए वो भी चमचमाती ट्रॉफी के साथ, मैन ऑफ द सीरीज जो खिलाड़ी बनेगा उसे हीरो बाइक प्रदान की जाएगी। और इस टूर्नामेंट के प्रमुख है उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद महोदय अनिल फिरोजिया जी। ये भीम की बहुत अच्छी गेंद, बीट कराने में कामयाब हुए। ऑफ स्टंप पर गेंद थी, टप्पा खा के बाहर की ओर निकली, ओवर समाप्त हुआ, कोई रन नहीं। 3 ओवर 16 रन 3 विकेट पर सागर। लगातार कई वर्षों से फिरोजिया ट्रॉफी को हम देख रहे हैं, जो माननीय अनिल फिरोजिया जी द्वारा आयोजित की जाती है, स्वर्गीय श्री भूरेलाल जी फिरोजिया की स्मृति में, बाबा महाकाल की नगरी में। पिछले वर्ष की प्रतियोगिता में सहजानंद गुजरात ने बाजी मारी थी, खिताब पर कब्जा किया था, उन्होंने आज के दिन के पहले मैच में भी बाजी मारी, दरबार विधान 11 के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में, एक समय जहां बहुत मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी दरबार विधान 11, वहां पर वो इलियास भाटी का लास्ट ओवर टर्निंग पॉइंट, जब 6 गेंद पर 13 चाहिए थे वो नहीं बनाने दिए। फिलहाल चौथे ओवर की पहली गेंद,
ऑफ स्टंप पर थी, बैकफुट पर जाकर खेला है, कवर से फील्डर दौड़कर आए, गेंद को फीड की, एक रन यहां पर मिलेगा। पंकज है गेंदबाज, इस बार भी अच्छी गेंद, एक ही रन यहां पर दिया। छोटे कद के गेंदबाज है पंकज, लेकिन काम बड़ा करते भी है। ग्वालियर के खेमे से अभी तक जो दो गेंद हुई है, दोनों गेंदों पर सिंगल आया है। आप मध्यक्रम में गेंदबाजी कर रहे हैं, लेग स्टंप पर गेंद थी, बहुत तेजी से बैट जरूर घुमाया था, सफलता नहीं मिली। ये देखिए आप, बिल्कुल विकेटों के करीब से वो गेंद निकली और जो लेग स्लिप पर काफी पीछे जो फील्डर खड़े थे उन्होंने गेंद को फील्ड किया। बहुत प्रयास, बहुत अच्छा प्रयास, लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए, 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद गई। राजा थे बल्लेबाज, कदमों का इस्तेमाल किया था। देखिए आप, काफी आगे आ गए थे, उसके बाद में बहुत खूबसूरती से पुल किया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। वहां पर खड़े फील्डर ने प्रयास जरूर किया था, काफी उछाल भरी कोशिश की थी, इस बार लटक गए और गेंद लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ के प्लेयर के पास। राजा वाव आउट। के लिए तो जो कदमों का इस्तेमाल करके खुशियां सागर के खेमे में लाई थी राजा ने, उसके बाद वो कैच दे बैठे और वापस पवेलियन 24-4। इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद, स्टीयर किया से डीप बैकवर्ड पॉइंट पर, एक रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचेगा 25 रनों पर और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 4 ओवर 25 रन, शुक्रवाली 11 सागर, 4 विकेट खोने के बाद 6 रन प्रति ओवर का रन औसत है। टॉस जीतकर जो पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, अभी तक तो कुछ ठीक ठाक नहीं रहा है शुक्रवारी 11 सागर के लिए। 4 ओवर 25 रन, 4 विकेट खो चुकी है ग्वालियर 11 के खिलाफ। इससे पहले कि 5वें ओवर की पहली गेंद फेंकी जाए, दूधिया रोशनी से चमकते हुए क्षीरसागर मैदान पर, अगली आवाज आप सुनिए कमेंट्री के माध्यम से भोपाल के प्रसिद्ध कमेंटेटर भाई हुड़चुम्मा से। लाइट वाले भैया जहां कहीं भी हो कृपया मंच पर आए। लाइट वाले भैया, धन्यवाद सर। बहुत ही बेहतरीन गेंद और जैसा कि अभी तक खेल हुआ है, आज काफी दर्शक इस मैदान पर
आने वाले हैं क्योंकि पूर्व अंतर्राष्ट्रीय भारतीय कप्तान गौतम गंभीर साहब हमारे बीच में होंगे और पंचम गणेश जो आपकी फेवरेट टीम है उसका भी मैच होगा आज। तो अभी तक का जो खेल हुआ है उसमें पांचवें ओवर की शुरुआत हो चुकी है और 25 रन बने हैं मात्र। इस बार ड्राइव किया वहां पर, फील्डर बहुत तेजी से आ रहे हैं स्ट्राइक कवर के और निश्चित रूप से सिंगल स्ट्राइक रोटेट हुई है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा अब माइंडसेट बनाना होगा क्योंकि लीग मैचेस आप क्लियर करेंगे तभी आप टूर्नामेंट में आगे बढ़ेंगे और लीग मैचेस में ऐसा रहता है कि जब आप लीग मैचेस क्लियर करते हैं तो उसका बेनिफिट जरूर मिलता है। और स्ट्राइक पर है सतीश, इस बार लीजिए लेग ग्लांस करने की कोशिश लेकिन अंपायर जानू अपने ही अंदाज में वाइट बॉल। काफी अच्छा टूर्नामेंट लगातार 20 वर्षों से यह प्रतियोगिता हो रही है और कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि बहुत ही जबरदस्त टूर्नामेंट माना जाता है ये मध्य प्रदेश का। इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश लेकिन कट करना चाहते थे, बाउंड्री लेना चाहते थे लेकिन टाइम नहीं कर पाए। और गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी, जिस तरीके से अपने गेंदबाजों को रोटेट किया है ग्वालियर एकादश के कैप्टन ने तो निश्चित रूप से तारीफ है। बबलो, कल भी आप ही काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, लॉन्ग ऑफ की तरफ ड्राइव किया है, सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं अभी तक वो बाउंड्रिया नहीं लग रही हैं। मात्र 2 छक्के लगे हैं, 1 चौका लगा है और दोनों ही बैट्समैन बैटिंग करते हुए। सतीश और सनी दोनों दो दो रन बनाकर खेल रहे हैं। सतीश ने 4 गेंदे खेली है और सनी ने 3 गेंदे खेली है और पहले से ही तैयार हो गए थे वहां पर। शॉट फाइन लेग के फील्डर तेजी से जा रहे हैं फाइन लेग की तरफ लेकिन बॉल को पकड़ेंगे और निश्चित रूप से 2 रन लेने से ना रोक सकेंगे। और कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव की याद दिलाई, अगर कनेक्ट हो जाती तो निश्चित रूप से बाउंड्री लाइन के बाहर जाती बॉल। लेकिन मुरैना के पास एक सबलगढ़ पड़ता है, वहां के लोकल बॉय है बबलू। इस बार लीजिए वहां पर स्विच हिट लगाने की कोशिश अपील लेकिन नकारा एम्पायर ने। ओवर की समाप्ति हुई है तो 5 ओवर की समाप्ति पर शुक्रवारी 11 सागर का स्कोर है 30 रन और कहीं ना कहीं और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अभी पिछड़ रही है टीम और एक अच्छा टोटल बनाना होगा अगर यह मैच जीतना है क्योंकि लीग मैचेस आपको क्लियर करने होंगे अगर टूर्नामेंट में बढ़ना है। क्योंकि जब अभी जैसे जैसे समय बीतेगा टूर्नामेंट में भारत देश के बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए पहुंचेंगे जो अपना लोहा मनवा चुके हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, दुबई से यहां तक डंका बजा चुके हैं, ओमान कतर न्यूजीलैंड में भी खेल चुके हैं, इंग्लैंड में आपको याद होगा कि इंडिया जो है वर्ल्ड कप जीती थी 6 प्लेयरों में, उसमें 6 प्लेयर हमारे भारत देश के प्लेयर थे तो वो भी काफी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, वो लोग भी सभी इसी टूर्नामेंट में खेलते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं देखना दिलचस्प होगा कि अब किस तरीके से रणनीति से सागर शुक्रवारी के जो दोनों ही बैट्समैन हैं इनिंग को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि मध्यक्रम में 2-3 ताबड़तोड़ बैट्समैन मौजूद हैं, उसका बेनिफिट उनको लेना होगा क्योंकि अगर प्लेटफॉर्म यहां से अगर एक अच्छा सेट करते हैं तो जो आने वाले बल्लेबाज हैं वो उस मौके को भुना सकते हैं तो देखना दिलचस्प होगा। लीजिए वहां पर बीमर फेंका 9 बॉल का इशारा अंपायर जय पवार सर, काफी अच्छी एम्पायरिंग करते हैं, काफी एक्सपीरियंस है, काफी क्रिकेट में समय दिया है, समय बिताया है उन्होंने और फ्री हिट है तो निश्चित रूप से उसका फायदा उठाना चाहेंगे। और यही रहता है बैक ऑफ तरीके से, जब दुबई ने ये फैसला लिया था किसी भी प्रकार की 9 बॉल होगी वो फ्री हिट कहलाएगी, जब दुबई में आईसीसी की बैठक हुई थी तो लाइसेंस मिल चुका है, रन आउट छोड़कर कहीं भी बॉल को जरूर रहेगी निश्चित रूप से, देखना दिलचस्प होगा।
फ्री हिट और काफी डेंजरस गेंदबाज है। कल इस गेंदबाज ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और छोटे कदकाठी के हैं लेकिन इतने बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं और टीम में सबसे तुरुप का इक्का माने जाते हैं पंकज। ग्वालियर के लोकल बॉय है, शॉट काफी अच्छा खेला है, फील्डर बॉल के नीचे है लेकिन दर्शक बनकर रह जाएंगे। अंपायर का इशारा देखना दिलचस्प होगा। एस आई एक्स फिरोजिया मैक्सिमम 6। पूरा लीजिए यॉर्कर इस बार लेकिन बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर जब तक हरकत में आए बॉलर को बरकत मिली, रन नहीं बना, डॉट बॉल। लेकिन तारीफ करना चाहूंगा जिस तरीके से गेंदबाजी ग्वालियर एकादश की टीम ने की है और संतोष गोंड जी की ये टीम है, काफी अच्छी टीम बनाकर लेकर आए हैं, पहले भी टूर्नामेंट खिलाते रहे हैं पूरे देश में खिलाड़ियों को। इस बार शॉट खेला है और जब नजर एक बार जम जाती है तो इसी तरीके से शॉट खेलते हैं। फिरोजिया मैक्सिमम गगन चुंबी छक्का और दर्शक अगर आप कैच पकड़ लेते तो 500 रुपए दिए जाते हैं आपको। यस यस पकड़ेंगे ना। ओके इस बार शॉट खेला है, काफी तेजी से फील्डर आ रहे हैं, मिड विकेट के फील्डर जब तक हरकत में आते बरकत मिली वहां पर और धीरे धीरे स्कोर बढ़ रहा है। लेकिन अभी जो सतीश की बात करूं तो अपनी चीज चमकीली पारी में 3 छक्के 3 सिंगल 21 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं और अगर मैं सनी की बात करूं तो 5 गेंदे खेली है और 4 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि अब यहां से किस तरीके से पारी को आगे बढ़ाते हैं। बड़ा हिट लगाने की कोशिश वहां पर, यस नो देखना दिलचस्प होगा लेकिन पंकज जब तक पहुंचते रन कंप्लीट कर लिया और यही होता है कि लिमिटेड ओवर की क्रिकेट में आप रन नहीं छोड़ सकते, कहीं से भी रन आए, रनिंग विद द विकेट काफी अच्छी और ये भी सच है कि जब इतनी बड़ी प्रतियोगिता चलती है और इतने बड़े लेवल पर आप टूर्नामेंट करते हैं तो मानसिक तौर पर आपको काफी मजबूत रहना चाहिए। इस बार लीजिए खेला वहां पर, ऑफ स्टंप पर ड्राइव किया, फील्डर एक्स्ट्रा कवर के आ रहे बहुत तेजी से, दूसरे की मांग है लीजिए लेकिन मना किया। तारीफ करनी होगी फील्डर की जिस तरीके से दौड़कर बाउंड्री लाइन से पहुंचे, तो सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। ओवर की समाप्ति हो चुकी है अब। छह ओवर की समाप्ति पर 54 रन 54। तो काफी बड़ा विकेट, और बहुत बड़ी अपील है वहां पर, देखते हैं एम्पायर को प्रभावित कर पाएंगे या नहीं, लेकिन उत्साह ज्यादा आत्मविश्वास कम, नकारा एम्पायर ने। और ये 500 रुपए की इनामी राशि अभी कैच,
हमारे जो अमजद लाला जी हैं वो 500 रुपए वाला नया वाला नोट उन्हें प्रदान कर रहे हैं। चलिए लेकिन मैं जितनी तारीफ करूं सतीश की उतनी कम है और एक जिम्मेदारी भरी और बेहतरीन ये लीजिए 500 रुपए देते हुए आप स्क्रीन पर साफ दिखाई देते हैं देख सकते हैं हमारे सम्माननीय समिति के अहम सदस्य आयोजककर्ता अमजद लाला जी। चलिए एक बार फिर से पुल करने की कोशिश लेकिन टाइम नहीं कर पाए और इस गेंदबाज की यही खासियत है कि चकमा देने में कामयाब रहते हैं और बैट्समैन इन्हें खेलने में नाकामयाब रहते हैं और पूरा साथ देते हुए अपने टीम के कैप्टन का जो भरोसा उन पर जताया और यही करना होगा अगर एक विस्फोटक बल्लेबाज बैटिंग कर रहा है और रन बना रहा है तो कहीं ना कहीं आपको रन तो बचाने ही होंगे मार से बचना होगा और वही करते हुए गेंदबाज और एक और बेहतरीन डिलीवरी पुणे के लोकल बॉय दीपू रैना सोशल मीडिया पे आप इनके अपडेट्स देख सकते हैं काफी क्रिकेट खेलते हैं दीपू रैना टैलेंटेड खिलाड़ी हैं ऑलराउंडर और अपनी सेवाएं देते हुए ग्वालियर एकादश को काफी क्रूशल मैच इसके बाद एक और मैच खेला जाएगा और उसके बाद एक और मैच खेला जाएगा और इसी कड़ी में हमारे बीच में पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भारतीय कप्तान गौतम गंभीर साहब हमारे बीच में होंगे। अगर दो वर्ल्ड कप का सुखद एहसास आपको आज भी याद दिलाता है तो दोनों वर्ल्ड कप में जो विस्फोटक पारी उन्होंने खेली थी वही खिलाड़ी आज हमारे बीच में होंगे बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में। पुल किया है पहला रन तेजी से कॉल किया है वहां पर लेकिन सिंगल से ही संतोष करेंगे दूसरे की कोशिश थी वहां पर नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज के लेकिन मना किया और रन काफी अच्छी तरीके से टीम आगे बढ़ रही है 55 स्कोर पहुंचा है सातवां ओवर प्रगति पर चलता हुआ और अगर यहां से 31 रन जोड़ लेते हैं तो निश्चित रूप से उसका बेनिफिट टीम उठा सकती है। पहले से ही स्विच हिट के लिए तैयार हो गए थे लेकिन रिवर्स शॉट कनेक्ट नहीं कर पाए और काफी अच्छी गेंद दीपू रैना की पुणे का ये लोकल खिलाड़ी और प्रतिभा के काफी धनी माने जाते हैं और अभी तक जवाब ढूंढ नहीं पाए हैं सनी उनकी इस गेंद का जो भी टीम जीतेगी टूर्नामेंट को 4 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाएगी वो विजेता टीम को 2 लाख रुपए और दोनों चमचमाती हुई ट्रॉफी स्टेज पे आप देख रहे हैं। कपिल सर हमारे बीच में मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हार्दिक अभिनंदन। हरकत की थी वहां पर लेकिन क्या बरकत मिलेगी गेंदबाज को और बहुत बड़ी सफलता दीपू रैना को विकेट और टीम को विकेट जाना होगा बैट्समैन को ओवर की समाप्ति हुई है 7 ओवर की समाप्ति पर टीम की रन संख्या पहुंची 55 रन। तीनों बैटिंग पे गए हैं और तुरुप का एक का माने जाते हैं दो भाइयों की जोड़ी खेली जा रही है इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं
मोनू बड़े और चीनू छोटे दोनों भाइयों की जोड़ी इस टूर्नामेंट में खेलती हुई शुक्रवार 11 सागर और काफी अच्छी टीम बनाकर लेकर आए हैं, पहले भी ये टूर्नामेंट खेल चुके हैं और अपने खिलाड़ियों को खिला वाला शॉट गुडला टेक और बैट्समैन के सिक्सर देख बहुत लंबा चक्का फिरोजिया बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौटते हुए आया शुक्रवार 11 सागर का ताबड़तोड़ बल्लेबाज कर दिया है स्ट्राइक रोटेट हुई है दूसरे की मांग है लेकिन चीनू ने मना किया माफ कीजिएगा हनी है ओके और टीम मैनेजमेंट को हनी पर काफी भरोसा रहता है काफी दमदार खिलाड़ी माने जाते हैं चीनू क्या कर पाएंगे कुछ गेंदों पे कारनामा देखना दिलचस्प होगा लीजिए पहले से ही तैयार थे लेग साइड के एम्पायर बच गए वहां पर स्क्वायर लेग पर फील्डर हैं काफी तेजी से बॉल को थ्रो किया लेकिन दो रन लेने से ना रोक सकेंगे और रनिंग विड द विकेट काफी अच्छी और आप tenniscricket.in के माध्यम से देश ही नहीं विदेश में भी इस मुकाबले को देख सकते हैं और काफी ब्रॉडकास्टिंग के मामले में काफी पुराना स्पोर्ट्स चैनल माना जाता है पूरे भारत में जितने भी और 1.5 मिलियन से ऊपर और 17 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं इस tenniscricket.in के और 2 लाख इंस्टाग्राम पर हैं 2,21,000 फेसबुक पर फॉलोवर्स हैं आपको बता दूं और क्वालिटी के मामले में काफी जबरदस्त ब्रॉडकास्टिंग के लिए जाने जाते हैं जो आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच देखते हैं वैसे ही क्वालिटी आप देश ही नहीं विदेश में जब ये जाते हैं तो वो क्वालिटी देखने को मिलती है तो काफी अच्छा वर्क करती है पूरी टीम और जो इस टीम के ऑनर हैं इस चैनल के ऑनर हैं संतोष नानेकर जी कुरला से बिलोंग करते हैं तो चलिए ओवर समाप्त हो चुका है मैच समाप्त हुआ है और जीत के लिए बनाने हैं ग्वालियर एकादश को 67 रन और
आपने देखा पिछले मैच में कमेंट्री कर रहे थे, आगे भी सेवाएं देते रहेंगे और दर्शकों की संख्या आज बढ़ेगी क्योंकि जब पूर्व अंतर्राष्ट्रीय भारतीय कप्तान गौतम गंभीर साहब हमारे बीच में होंगे और जो उनकी फेवरेट टीम है, पिछले साल फाइनल खेली थी, लगभग मुकाबला जीती गई थी फाइनल लेकिन पराजित हुई थी पंचम गणेश। इस बार शॉट खेला सिंगल के लिए, पहला रन तेजी से लेकिन फील्डर आ रहे हैं वो 30 ऑफ सर्कल में। टीम की रन संख्या पहुंची, अब खाता खुला। प्रियांश, इस बार गति परिवर्तन था, बिल्कुल चकमा खा गए वहां पर। और यही है जब आप एक बड़े स्तर का टूर्नामेंट खेलते हैं, जब लोकल क्रिकेट आप खेलते हैं तो आप एक्सपीरियंस लेते रहते हैं और आप विविधताएं आपके खेल में आती रहती हैं और वही दिखाते हुए कि तेज गति के गेंदबाज है लेकिन गति परिवर्तन भी काफी अच्छा करते हैं और बहुत ही जबरदस्त डिलीवरी कराई थी पिछली वाली बॉल। इस बार लीजिए शॉट, काफी बेहतरीन कनेक्ट हुआ है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, दर्शक बन कर रहे जाएंगे, फील्डर पीछा कर रहे हैं, अंपायर का इशारा। खेलने होंगे कहीं ना कहीं क्योंकि अगर पावर प्ले चल रहा है उसका फायदा आप उठाते हैं तो एक मजबूत स्थिति में, क्योंकि एक विकेट पहले ही गेंद पर गिर चुका है और पवेलियन लौट चुके हैं बैट्समैन अमर। पहले से फिर से तैयार हो गए थे, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोशिश और क्लीन बोल्ड कर दिया। और यही होता है कि जब आप सीधे बल्ले से काफी अच्छा खेल रहे हो तो आप कुछ रचनात्मक कलात्मक करने की कोशिश करते हैं और अपना विकेट गंवा बैठते हैं, वैसे कुछ हुआ वहां पर। पर्दे के पीछे की टीम है जो मैदान का जायजा लेती है, वसीम सर और तन्नू सर दोनों ग्राउंड का जायजा लेते हुए। कैप्टन आवेद खान गए हैं, ग्वालियर के लोकल बॉय और रूप सिंह स्टेडियम में काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं बैटिंग की, नेट्स में प्रैक्टिस करते हैं और काफी क्रिकेट खेलते हैं ग्वालियर के चर्चित खिलाड़ी आवेश खान, माफ कीजिएगा आवेद खान। हल्के हाथ से कट करना चाहते थे लेकिन टाइम नहीं कर पाए। तो एक ओवर की समाप्ति पर दो विकेट के नुकसान पर स्कोर है मात्र 5 रन।
प्रतियोगिता को खेलने के लिए एक बहुत ही चर्चित लीग मानी जाती है। यह फिरोजिया ट्रॉफी पूरे भारत देश में प्रसिद्ध है। इस बार लीजिए फिर से यॉर्कर, लेकिन कैप्टन अभिसागर हरकत में आए, लेकिन बरकत बैट्समैन को मिली सिंगल के रूप में, तो कहीं ना कहीं अब इनिंग बिल्ड करते हुए पता है कि प्रेशर है और दो ओवर में कितने रन जोड़ पाएंगे। दूसरा ओवर चल रहा है और दो विकेट गिर चुके हैं। इस बार सफल करके आए थे आगे बाउंड्री लाइन की तरफ, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन टाइम नहीं कर पाए। और आई सेट काफी अच्छा होना चाहिए, जो कदमों का इस्तेमाल है, अगर आप आगे निकलकर शॉट खेलते हैं तो आपके पास फिर टाइमिंग बहुत लाजवाब होना चाहिए। और इसके बाद बहुत ही बड़ा मुकाबला, ग्वालियर एकादश वर्सेस साजानंद गुजरात, तुरंत मुकाबला होगा और उसके बाद इस बार लीजिए पुल किया, फील्डर मौजूद हैं, अच्छी फील्डिंग निश्चित रूप से और सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। मिडऑन के फील्डर जब तक हरकत में आते, बरकत मिली एक रन की और कहीं ना कहीं अब चीनू की सबसे अच्छी खासियत है, बैटिंग में भी योगदान देते हैं और दोनों भाइयों की जोड़ी खेल रही है, और बड़े भाई मोनू हैं और छोटे भाई चीनू, और जब भाइयों की जोड़ी खेलती है तो काफी अच्छा प्रदर्शन टीम करती है और कई जगह हुआ भी है ऐसा, आपने देखा होगा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट में। हल्के हाथ से लीजिए प्लेट किया, लेकिन पता है बहुत ही बेहतरीन लाइन लेंथ से गेंदबाजी करने के लिए जाना जाता है ये गेंदबाज। और अभी आपको बता दूं कि 20 लाख का जब टूर्नामेंट हुआ था इंडिया की, भारत की सबसे बड़ी प्रतियोगिता, तो पंचम गणेश से के जो टीम है वो आपको बता दूं आरसीसी बनखेड़ी 2 के नाम से खेल रही थी, उसी से अपनी सेवाएं दे रहे थे चीनू। और चलिए वहां पर इनसाइड आउट और लॉफ करना चाहते थे, दोनों खिलाड़ी आपस में भिड़े और बॉल गिर गई, चोट लगी है गंभीर निश्चित रूप से वहां पर, देखना दिलचस्प होगा, कॉल कर देते कैच पकड़ी लिया था, लेकिन आपस में बहुत जबरदस्त टक्कर हुई है और टीम के कैप्टन अभिसागर जा रहे हैं वहां पर देखने के लिए। और हमारे जो फिजियो हैं अब वही देखकर बताएंगे कि कितने हफ्ते क्रिकेट से बाहर रहेंगे दोनों, ये कोई गंभीर इंजरी तो नहीं है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और दिख रहा है बिल्कुल कि दोनों को काफी चोट लगी है, रिप्ले में आप देख सकते हैं साइड स्क्रीन पर जबरदस्त टक्कर हुई है दोनों में, और कॉल अगर कर देते तो निश्चित और अगर टीम में कोई दिक्कत होती है, इंजरी होती है, तो जो टीम के ऑनर है आदित्य पांडे जी पूरी पूरी सेवाएं देते हैं, जब क्रिकेट नहीं होता तो खिलाड़ियों को काफ़ी चीज़ें मुहैया कराते हैं, तो मैं आदित्य पांडे जी की भी सराहना करना चाहूँगा, एक बेहतरीन टीम बनाकर लेकर आए हैं आदित्य पांडे जी। शुक्रवार 11 सागर, मध्य प्रदेश की एक चर्चित टीम है, लेकिन ग्वालियर एकादश की मैं तारीफ करना चाहूँगा, यूपी के खिलाड़ी भी ग्वालियर एकादश में खेल रहे हैं।
परिवर्तन टीम के कैप्टन खुद गेंदबाजी करने के लिए आए अभी सागर, बेहतरीन ऑलराउंडर मध्य प्रदेश इंडिया। तो अब 30 ऑफ सर्कल से खिलाड़ी जो है बाउंड्री लाइन के बाहर है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पर एक प्लेयर लेकर रखा है, एक स्क्वायर लेग पर, एक बैकवर्ड पॉइंट पर। लीजिए खेलना कहीं चाहते थे, चीते की तरह झपटे, डायरेक्ट हिट लगा दिए वहां पर और अंपायर का इशारा। बहुत बड़ी सफलता, और बचपन में इस खिलाड़ी ने इतने कंचे खेले हैं कि अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। जाना होगा पवेलियन में। परिवर्तन एक बार फिर से, क्या सफलता है, और देखना दिलचस्प होगा। एम्पायर ने उंगली उठा दी और बहुत ही बड़ी विकेट। चलो प्रदर्शन करते हुए कैप्टन टीम के शुक्रवार 11 के अभिसागर, और जब फ्रंट से कैप्टन लीड करते हैं तो निश्चित रूप से उसका फायदा जरूर मिलता है टीम को। और जिस तरीके से बैकफुट पे धकेला है ग्वालियर एकादश को, लेकिन ग्वालियर एकादश की अगर मैं बात करूं तो मध्य क्रम में ताबड़तोड़ बल्लेबाज मौजूद है अभी, जो बैटिंग काफी अच्छी करते हैं, गेम फिनिश कर सकते हैं, और ये टीम ने करके भी दिखाया है। ग्वालियर एकादश की टीम काफी मजबूत मानी जाती है, लेकिन अभी थोड़ा संघर्ष कर रही है। मैं कहता रहा हूं पहले भी, टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज हासिल नहीं होते, अंधेरे में अपनी मंजिल ढूंढी लेते हैं, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो देखना दिलचस्प होगा, और यहां से एक बेहतरीन इनिंग खेलनी होगी, बेहतरीन पारी खेलनी होगी दोनों ही बैट्समैनों को, क्योंकि काफी ओवर पड़े हैं। अभी शुरुआत थी है मैच की, तीसरा ओवर प्रगति पर चल रहा है, तो कोशिश जरूर रहेगी वहां पर। और अभी सागर की जितनी तारीफ की जाए, हैट्रिक पर है टूर्नामेंट की, क्या दूसरी हैट्रिक बना पाएंगे आज के दिन। इस टूर्नामेंट की क्या दूसरी हैट्रिक बना पाएंगे। तो डॉट बॉल और दबाव साफ देखा जा सकता है, और यही होता है कि मेंटली आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है जब बड़े मैचेस में, और प्रेशर सबसे ज्यादा। अगर मैं बात करूं तो अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, मोहम्मद कैफ इंडियन क्रिकेटर पूर्व, वो कह रहे थे कि जब आप चेसिंग के लिए जाते हैं कभी भी। इस बार खेला सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा, तो जब आप स्कोर चेस करते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर आपके मन में एक माइंड सेट रहता है कि इतने रन हमें बनाने हैं, और उसी में आप गलती करते हैं कहीं ना कहीं, और वैसे ही कुछ अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन नेट्स वे सीरीज जब हुई थी और आपने हमारे पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली जी को जब देखा था, और वो टी शर्ट लहराते हुए, तो जब बताया कि उसमें चेस भी किया था, विकेट गिरे थे, लेकिन वैसे ही कुछ करना होगा आज।
युवराज सिंह और मोहम्मद के जैसी साझेदारी बनानी होगी, लेकिन सिंगल लिया, सूझबूझ भरी क्रिकेट। और तारीफ करनी होगी वाडा कैप्टनसी और वाडा गेंदबाजी अभी सागर। स्ट्राइक में अब रोटेट हुई है, स्ट्राइक में पहुंचे अब अशोक। झांसी के लोकल बॉय, और वैसे ही जब किताबों में बच्चे भी पढ़ते हैं तो झांसी का जिक्र जरूर होता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वहीं से बिलोंग करते हैं, तो लड़ाका हैं एक तरीके से देखते हैं। इस बार स्विच हिट लगाने की कोशिश लेकिन टाइम नहीं कर पाए, टकटकी लगाकर दर्शक मुकाबले का आनंद ले रहे। ओवर की समाप्ति हुई है और तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर रन पहुंचे अब 11 रन। चार विकेट के नुकसान पर आज पंचम गणेश का मैच है और उसमें तमजीत पठान की भूमिका बहुत अहम रहने वाली है। पिछले साल के काफी इफेक्टिव खिलाड़ी थे, फाइनल तक टीम को पहुंचाया था, तो देखना दिलचस्प होगा। तो इस बार टीम में नदीम दीवान खेलते हुए नजर आएंगे, आपको बता दूं गुजरात के लोकल बॉय, और राजस्थान के ताबड़तोड़ गेंदबाजों में से एक जो अपना लोहा मनवा चुके हैं प्रतिभा का विजेंद्र वर्मा, वो भी खेलते हुए नजर आएंगे पंचम गणेश की तरफ से। नासिक की टीम एक है, नासिक के लोकल बॉय जो कि भारत के प्रसिद्ध बल्लेबाज हैं मुन्ना शेख, नंबर वन बल्लेबाज माने जाते हैं नासिक और इंडिया के लेफ्ट हैंडर, उन्हीं की नगरी से वो टीम आई है और देखना दिलचस्प होगा। काफी बड़े बड़े प्लेयर आए हैं, तो आज क्रिकेट मेरा कहने का मतलब है कि काफी अच्छी देखने को मिलने वाली है। गेंदबाजी में परिवर्तन और अपना लीजिए पुल किया है अंपायर, वहां पर बचे लेकिन स्क्वायर लेग के फील्डर डीप स्क्वायर लेग पर जा रहे हैं। अच्छी फील्डिंग, सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। और अब इक्का दुक्का से कोई काम बनने वाला नहीं है, एक बल्लेबाज को जोखिम तो लेना ही होगा, अगर मैच जिताना है तो आपको वो बड़े बड़े लंबे लंबे छक्के लगाने होंगे जैसा कि महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह लगाया करते थे, और उन्हीं की तरह एक पारी आपको बिल्ड करनी होगी। दोनों ने और दोनों जोड़ियों में शिकार करा करते थे, इनको भी जोड़ियों में शिकार करना होगा। और सरप्राइज किया, बहुत ही बेहतरीन गेंद चीनू की, लगातार परेशान करके रखा है। और कल की अगर मैं लीग मैचेस की बात करूं तो कल पहले ही जब ओवर फेंका था इनिंग का तो और टीम का दूसरा, तो उसमें दो विकेट लिए थे, और आज भी कुछ वैसे ही शुरुआत की है। तो मैं बता दूं आपकी कि तुरुप का पत्ता माने जाते हैं अपनी टीम के लिए, और बड़ा भाई जब छोटे भाई को प्रोत्साहित करता है तो निश्चित रूप से उसका बेनिफिट मिलता है। बड़े मोनू हैं और चीनू छोटे, दोनों भाई खेल रहे हैं। आगे निकल कर आए थे और कनेक्ट नहीं कर पाए, और एफर्ट तो लगा रहे हैं लेकिन बल्ले पे लग नहीं रही है बॉल, और जब भी लगने लगेगी तो निश्चित रूप से जिस तरीके से बल्ला घुमा रहे हैं बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर ही जाकर गिरेगी वो। और दर्शकों की संख्या अब धीरे धीरे बढ़ती हुई, टकटकी लगाकर दर्शक मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि कुछ ही समय पश्चात हमारे बीच में पूर्व भारतीय कप्तान गौतम गंभीर साहब हमारे बीच में होंगे। और लीजिए, मैं पहले भी कहता रहा हूं, एक और बेहतरीन डिलीवरी, और नीविया बॉल का टप्पा और बाहुबली का कटप्पा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे ही कुछ चीनू ने टप्पा पकड़कर रखा है, परेशान किया है, अभी तक दबाव महसूस कर रहे हैं दोनों ही बैट्समैन, और अभी तक वो चाबी उस ताले की मिल नहीं पाई है कि खोल सके। लिमिटेड के ओवर की क्रिकेट में आप समय नहीं गंवा सकते, ओवर नहीं गंवा सकते, क्योंकि वापसी करने का मौका जो है आपके पास रहता नहीं है। और गजब की गेंदबाजी, परेशान करके रखा है, ऐसे लग रहा है बेड़िया डाल दी हूं, और चक्रव्यूह तोड़ना चाह रहे हैं लेकिन तोड़ नहीं पा रहे अभिमन्यु की तरह, और वो कौन सा खिलाड़ी होगा अभिमन्यु बनेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा।
इस टूर्नामेंट की मैं जितनी तारीफ करूं, 20 वर्ष देखते ही देखते कैसे बीत गए। एक छोटी सी प्रतियोगिता शुरू हुई थी और वो छोटी सी प्रतियोगिता जो है आज पूरे भारत में चर्चा का विषय बनी हुई है। और मैं आपको बता दूं, बंगाल क्रिकेट दुर्गापुर में बिग बैश लीग चल रही है, उसके बाद जैसी 16 तारीख को फाइनल होगा, सारे खिलाड़ी आपको उज्जैन में बाबा महाकाल की नगरी में 17 तारीख को बड़े बड़े प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे। बोर्ड पर रन है, 4 ओवर की समाप्ति पर 12 रन, 1 रन का ओवर फेंका, 4 विकेट के नुकसान पर ग्वालियर 1-10। तो पांचवा ओवर और टीम का पांचवा और अपना दूसरा, कैप्टन अभिसागर। और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम अभिसागर की ओर लीजिए। ओवर की शुरुआत और पहली गेंद इस ओवर की, और पहली गेंद पर विकेट। तो पूरी कहानी आकर फिर दीपू रैना पर आकर ठहर जाती है, और दीपू रैना इनका चलना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर ये रन बना देंगे तो निश्चित रूप से जो अभी सूखा पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि मरुस्थल में पानी ढूंढ रही है टीम और काफी समय से दिक्कत चल रही है। मैं जितनी तारीफ करूं शुक्रवार 11 सागर की टीम की, उतना ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है इस समय। और जब कैप्टन फ्रंट से लीड करते हैं तो उनका हौसला जो है बढ़ता है, बाकी खिलाड़ियों का और खुद का भी बढ़ता है। तो अब दीपू रैना यहां से क्या करेंगे, काबिलियत है बड़े बड़े शॉट खेलने की, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि नॉन स्ट्राइकिंग हैंड के बल्लेबाज कितना साथ निभा पाएंगे। अभी अभी सेंटर ऑफ द विकेट पहुंचे हैं, बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन टाइम नहीं कर पाए, क्योंकि जानते हैं ये करो या मरो का मुकाबला है। इसके बाद ग्वालियर 1-10 का ही मैच होगा साजनंद गुजरात से। और यह मुकाबला जीतना ही होगा, अगर यह मुकाबला नहीं जीतेंगे तो लीग से बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है। और चलिए, लगातार गति परिवर्तन परेशान करके रखा है कैप्टन अभिसागर ने अपनी गेंदबाजी से। वैरायटी काफी अच्छी है पिच का पूरा फायदा उठाते हुए, और जब क्या होता है कि आप इतनी क्रिकेट खेल लेते हैं तो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपके पास आ जाता है। और दीपू रैना को तोड़ निकालना होगा, उस गेंदबाजी आक्रमण जो अभी चल रहा है उसका तोड़ ढूंढना होगा। इस बार कट किया, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर वहां पर कुछ हरकत कर बैठे, लेकिन बैट्समैन को बरकत मिली, बाउंड्री लाइन की तरफ बॉल चल रहा है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि अब इसी तरीके से बैटिंग करनी होगी।
मैं देखिए आपको जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको एक विशेष खबर है। याद ही होगा सागर सर, तो कहीं ना कहीं ऊपर से शुरुआत देना बहुत जरूरी, लेकिन आज टॉप ऑर्डर बिल्कुल फ्लॉप रहा, उसके बाद मध्यक्रम भी फटाफट विकेट गिर गए और सामने वाली टीम ने वाकई कोई मौका नहीं दिया। आपको बता दूं सागर 11 शुक्रवारी, तो टीम काफी मजबूत है और इस मुकाबले की जीत की दहलीज पर है। अब कोई चमत्कार ही है जो इस मैच में ग्वालियर 1-10 को वापस ला सकता है, लेकिन ये कड़क बैट्समैन है, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका पंकज। और आते सही लीजिए हरकत की वहां पर सुशील, लेकिन अभी सागर ने तो आज चमत्कार कर दिया है। इस ओवर में 3 विकेट और उससे पहले भी जो ओवर किया था उसमें 2 विकेट लिए थे, तो 1 रन आउट था, 4 विकेट लिए। और याद दिलाते हुए कि अगर वो रन आउट नहीं होता तो 5 विकेट अगर कोई भी गेंदबाज लिमिटेड ओवर की क्रिकेट में ले लेता है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और अभी सागर ने आज वाकई चमत्कार करके दिखाया है और टीम को एक मैसेज देते हुए कि कैप्टन जब फ्रंट से लीड करता है तो उसका बेनिफिट जरूर मिलता है। अगले बैट्समैन पहुंचे हैं, मैच में कुछ करने के लिए अब थोड़ा बचा नहीं है, लेकिन नमस्कार को ही चमत्कार कहा जाता है और क्रिकेट में ऐसे चमत्कार हुए हैं कई बार। आपको याद होगा आईपीएल का एक मुकाबला चल रहा था, टीम लगभग पंजाब किंग्स 11 पंजाब हार ही रही थी, लेकिन उसमें बैटिंग आपको डेविड मिलर ने एक तरफा करके टीम को जीत दिलाई थी, वैसी कुछ बारी खेलनी होगी। तो बात करूं 3 बैट्समैन खाता नहीं खोल पाए और दीपू रैना 4 गेंदों पर 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे, और एक बैट्समैन आशु की अगर मैं बात करूं तो 8 गेंदों पर 1 रन बनाकर वापस लौटे, तो कहीं ना कहीं माफ कीजिएगा अभी सेंटर ऑफ द विकेट है। भीम आए हैं बैटिंग पे जिन्होंने पहला ओवर किया था, अब अपना दूसरा और टीम का छठवां ओवर लेकर और प्लेटफॉर्म एक्सेट कर दिया है टॉप ऑर्डर को पवेलियन। कैप्टन अभी सागर ने भेजा तो खुलकर गेंदबाजी करने का मौका है एक तरीके से उनके पास। और लीजिए इसी तरीके की शॉटों की जरूरत है, क्या विकेट मिलेगी वहां पर, और लीजिए काफी तेज एफर्ट लगाया, काफी उछले लेकिन कैच नहीं पकड़ पाए, फील्डर लॉन्ग ऑन के पहुंचे डीप मिड विकेट पर, बॉल को पकड़ा और थ्रो किया, लेकिन टैलेंटर बल्लेबाजों से आप जानते हैं कि गेंदबाज माने जाते हैं, लेकिन बैटिंग आजकल कोई भी कर सकता है क्रिकेट जब से फास्ट हो गई है,
जैसा कि इंडियन क्रिकेट में आपने जसप्रीत बुमराह को भी 5 छक्के मारते हुए देखे होंगे, तो उमेश यादव को भी आपने 5 छक्के लगाते हुए देखे होंगे टेस्ट क्रिकेट में, तो आप किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते कौन कब क्या कर दे, ये क्रिकेट है। और लीजिए ये सफलता है क्या, और अभी सागर ने लेट स्टार्ट लिया था, कैच पकड़ सकते थे लेकिन बेहतरीन थ्रो। और लीजिए बहुत ऊपर बॉल गई है, खिलाड़ी आ रहे हैं लेकिन कैच नहीं पकड़ पाएंगे, दूसरा लेने की कोशिश और पूरा भी कर लिया। मुकाबले में कुछ बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी जिस तरीके से बल्ला चला रहे हैं तो एक सीख बता रहे हैं अपने सीनियर खिलाड़ी को जो टॉप ऑर्डर आज पवेलियन में बैठा है ग्वालियर एकादश। पंद्रह गेंद पे 46 रन। और अगर मैं बात करूं इतने वर्षों से टूर्नामेंट चल रहा है तो 5 वर्षों से लगातार इस टूर्नामेंट की स्कोरिंग कर रहे हैं मनीष गर्ग जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती है आयोजन समिति और दर्शक। ऑफलाइन स्कोरर है और एक खुश नसीब दर्शक है जिन्होंने इस टूर्नामेंट का पहला इनाम कैच पकड़कर जीता। बैठक लगाना चाहते थे लेकिन टाइम नहीं कर पाए और काफी तेज गति की गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं प्रियांश। लास्ट गेंद इस ओवर की, उसके बाद 12 गेंदें बचेंगी। एक दर्जन गेंदों में चमत्कार हो सकता है क्योंकि दर्शक भी टकटकी लगाकर बैठे हैं, कुछ वैसे ही मुकाबले पिछले वर्ष हुए थे और इस वर्ष भी होने की उम्मीद है। और लीजिए बहुत ऊपर बॉल गई है, फील्डर आ रहे हैं और लॉन्ग ऑन के फील्डर ने जाकर डीप मिड विकेट पर कैच को पकड़ा और तारीफ करनी होगी इस खिलाड़ी की, कम से कम बॉलर खराब नहीं की लेकिन एक शॉट खेला अगर क्लियर कर देते तो निश्चित रूप से सिक्सर मिलता। तो पवेलियन लौटते हुए अब मात्र 2 रन बनाकर 4 गेंदों पर। शॉट काफी बड़ा खेलना चाहते थे हनी गेंदबाजी में, 7वां ओवर लेकर आए हनी। कुछ करने को रह नहीं गया क्योंकि जो पुछल्ले बल्लेबाज है उनसे आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते बैटिंग में।
ऑफ स्टंप पे चढ़े थे, जगह बनाई थी लेग स्टंप की तरफ खेलने के लिए, व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर जानू का, और इसके बाद तुरंत मुकाबला खेला जाएगा साजनंद गुजरात वर्सेस ग्वालियर एकादश। शॉट खेला है लेकिन उतना विश्वसनीय शॉट नहीं, कुछ आज आत्मविश्वास से डगमगाया सा लगा वहां पर ग्वालियर एकादश की टीम का, नहीं तो मेंटली काफी प्रिपेयर मानी जाती है और कल काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, वो मुकाबला गवाया था लेकिन क्लोजली मैच गया था वो, पुल करने की कोशिश लेकिन टाइम एक बार फिर से नहीं कर पाए। और शुक्रवारी 11 सागर की जो टीम है उनको पता है कि मुकाबले में वो बिल्कुल पकड़ मजबूत है और मुकाबला जो है 80-20 हो चुका है अब। रिकॉर्ड डिलीवरी, घातक गेंदबाजी डेथ ओवर में करते हुए हनी, और कुछ भी वो नहीं है लेकिन अगर 2-3 हिट लगा देते हैं बैट्समैन तो निश्चित रूप से जो सम्मान के लिए ग्वालियर एकादश जानी जाती है वो बरकरार रहेगा। और चलिए शॉट काफी अच्छा खेला है लेकिन फील्डर मौजूद है वहां पर, और एक और कैच, एक और बड़ी सफलता। गजेंद्र और यही बिल्कुल पूरी टीम का जो आत्मविश्वास है ग्वालियर एकादश, आज कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है कहीं ना कहीं बैटिंग में या प्लान में, इसीलिए कहा जाता है सुबह की चाय और बुजुर्गों की राय हमेशा ले लेनी चाहिए, काम आती है लेकिन होता है कभी कभी आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं और दूसरे दिन वही टीम कुछ नहीं कर पाती, तो व्हाट ऑफ गेम है क्रिकेट का। साजनंद गुजरात के कप्तान जल्दी से कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे, पुल करना चाहते थे लेकिन टाइम नहीं कर पाए और कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है, मात्र एक विकेट बचा है, 7 ओवर की समाप्ति पर ग्वालियर एकादश का स्कोर है 9 विकेट के नुकसान पर, मात्र 25 रन। इसके बाद कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर सागर मुलतई सर। आखिरी ओवर लेकर आए हैं सतीश, चलिए मैच खत्म और सागर 11 शुक्रवारी की टीम जो है यह मुकाबला जीत चुकी है और इस मैच के मैन ऑफ द मैच है प्रेजेंटेशन बॉक्स में।